तो फिर से एक क्वेश्चन जो कि मेरे को स्टूडेंट ने भेजा है, यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, इसकी वजह से उस स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी कि इसको सॉल्व कैसे करें इजी वे में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट आई जो कि यहाँ पर से फ्लो कर रहा है 20 वोल्ट सोर्स में से, और चार ऑप्शन गिवन है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, जब भी नोड लगानी है नोड में वो वेरिएबल को कंसिडर करना जो कि हमारे डिपेंडेंट सोर्स के पास है, तभी हमारा आंसर इजीली आएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पर वी दिया हुआ है, तो डैट मीन्स यहाँ पर नोड लगाने को हमें दिख रहा है कि यहीं पर नोड लगेगा। तो यहाँ से मैं क्या लूँगा इक्वेशन, देखो अब इस वाली लाइन के अंदर स्टूडेंट क्या करेंगे, वी माइनस 20/2 लेंगे। ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, बट इसको मैं सही भी नहीं मानूंगा इस टाइम पर, क्योंकि मेरे को जल्दी चाहिए सोल्यूशन। तो जल्दी लेने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं देखा कि इस लाइन के अंदर ना मेरे को ऑलरेडी जो डिपेंडेंट सोर्स के पास सिंबल था आई वो फ्लो करता हुआ दिख रहा है। तो जब भी मैंने आपको बताया जहाँ पर भी नॉट लेना है वहाँ से जाता हुआ करंट पॉजिटिव लेना है और उसकी तरफ आता हुआ करंट नेगेटिव लेना है। तो ये नॉट की तरफ करंट आ रहा है आई, तो इसको मैं क्या लूँगा नेगेटिव, ठीक है। अब ये लाइन में से मैंने आई को कंसिडर किया, अब इस लाइन में से देखो फिर से 2 एम्पेयर का करंट नॉट की तरफ आ रहा है, तो ये -2, क्लियर। अब उसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है और करंट पे डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये, तो इसके अंदर सबको पता है कि क्या करना चाहिए, जब दो वोल्टेज सोर्स हों, एक तो नोड पे लगा हुआ वोल्टेज और एक उधर वोल्टेज हो, तो वी माइनस 5i/3। यहाँ पर हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आई करंट हमें नहीं पता कि कितना करंट इस लाइन के अंदर फ्लो कर रहा था, इसलिए हमने आई नहीं ले सकते अकेला। इसमें हम क्या कर सकते थे, इसमें हमें पता था कि करंट कितना निकल के आ रहा है नोड की तरफ, तो हमने लिया था। आप इसमें भी ले सकते हो वी माइनस 20/2, बट वो थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 3 LCM लूँगा, -3i -6 +v -5i = 0। ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, -3i -6 +v -5i = 0। -3i -5i -8i -6 +v = 0। v को इधर रखूँगा और जो माइनस वाली टर्म है वो उधर ले जाऊंगा, 8i + 6। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो इसे नोट डाउन कर लेना, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं, मेरे को क्या अभी आई मिल गया, नहीं आई नहीं मिला। अब मेरे पास सिचुएशन क्या है कि मेरे पास ना एक इक्वेशन आई है, वी और आई में रिलेशन आया। अब मैंने देखना था कि मैं दूसरी, मेरे को अगर इक्वेशन मिल जाए तो मैं दोनों इक्वेशनों को रखकर आई या फिर वी की वैल्यू निकाल लूँगा। अगर दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू आ गई तो उस इक्वेशन में, एक इक्वेशन में पुट करके मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे इजी वे कौन सा होता है, जहाँ पर आपको कभी भी ये नहीं लेना वी माइनस 5i/3, इससे इक्वेशन नहीं बनानी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको वोल्टेज गिवन ही नहीं है कि ये वोल्टेज सोर्स कितनी वोल्टेज लेकर बैठा है। हमेशा ये वाली चीज़ देखनी है कि ये एक्चुअल वोल्टेज थी ना 20 वोल्ट, तो यहाँ पर वी माइनस 20/2। अगर हम वी माइनस 20/2 ले रहे हैं तो v = ir के अकॉर्डिंग v by r = i के अकॉर्डिंग, अब जो ये i है, जब हमने v को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो यहाँ नोड से को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, नोड पर बैठी वोल्टेज को, तो यहाँ से करंट निकल रहा है यहाँ पर, तो i आएगा, बट जो एक्चुअल करंट है उसकी तरफ आ रहा है तो नेगेटिव होगा, क्लियर। ये मैंने बताया हुआ है v - 20 = 2, उधर जाके -2i हो जाएगा और यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, -2i + 20, ठीक है, -2i + 20। वी की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में बैठा दूंगा, इस इक्वेशन में अगर मैं बैठाऊंगा तो ये आ जाएगा -2i + 20 = 8i + 6, क्लियर। 8i 20 - 6 8i + 2i माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 14 = 10i। तो आई की यहाँ से वैल्यू भी आ जाएगी 1.4 एम्पेयर, क्लियर। तो डी ऑप्शन था। एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं लिखता हूँ, एक और क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट ने भेजा था। इसमें भी एक डिपेंडेंट सोर्स है और ये डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, प्लस माइनस मतलब वोल्टेज सोर्स है और किस पे डिपेंड कर रहा है वो सिंपल बताता है, मतलब वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है और वोल्टेज का सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इसके अंदर हमें आई और वी नॉट फाइंड आउट करना था। इसमें हम KVL लगाएंगे, क्लोज पाथ है तो KVL लगाएंगे, यहाँ पर 12 वोल्ट है, क्लियर। तो चलो KVL लगाते हैं, साथ साथ पता लग जाएगा आंसर आपको। KVL लगाने के लिए सभी वोल्टेज सोर्स को कंसिडर किया जाता है क्लोज लूप में। तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे -12, जहाँ से स्टार्ट करना है उसका नीचे वाला साइन लेना है। जैसे ही मैं ऊपर गया
मैं ऊपर गया तो यहाँ पर मेरे को ये 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिला, इसके अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा था मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, जब पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा था, पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा था तब मैंने वोल्टेज मेरा पॉजिटिव गिना जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव में करंट एंटर करे तो वोल्टेज पॉजिटिव गिना जाएगा, अदरवाइज ये नेगेटिव गिना जाएगा अगर उल्टी साइड से करंट एंटर करे तो। क्लियर, तो आई मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 4i प्लस 4i आगे गया मैं तो मेरे को इसका वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कितना देखने को मिल रहा है प्लस 2v0। क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना वोल्टेज सोर्स का। और आगे गया मैं तो मेरे को क्या मिला, -4 वोल्ट आई। ठीक है, -4 उससे आगे गया तो इस रेजिस्टेंस का मेरे को वोल्टेज पता होना चाहिए और मेरे को ऑलरेडी दे रखा है कितना है -v0, क्योंकि घूमकर मैं इधर आ रहा तो मेरे को नेगेटिव साइन पहले दिखा -0। क्लियर, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, -12 -4 -16 +4i +v0 2v0 -v0 v0 0। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, 4i प्लस वी नॉट इक्वल टू 16। तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, बट मेरे पास दो वेरिएबल आ गए i और v0। किसी एक वेरिएबल का होता तो मेरा आंसर ये सॉल्व हो जाता, बट इसके अंदर मेरे को अब ये ढूंढना पड़ेगा सर्किट के अंदर i और v0 का क्या रिलेशन है। i और v0 का रिलेशन देखने के लिए मेरे को सर्किट को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ से दिख रहा था कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो v0 है वोल्टेज दे रखी थी, और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो होती है आई मल्टीप्लाई बाय आर, वी इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग। इसमें इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो यही वाला आई तो था, क्योंकि सीरीज सर्किट था, ये वाला आई घूमकर यहीं आएगा और इसके अंदर फ्लो करेगा। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेरे को गिवन थी v0। अब एक बात का ध्यान रखना है, मैंने बोला था जब पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा हो तो v0 पॉजिटिव लेना है। अब ये नेगेटिव से करंट एंटर कर रहा है, देखो ये साइन मेरे ऑलरेडी गिवन थे सर्किट के अंदर, और आई भी गिवन था कि इधर से ही एंटर कर रहा है, तो यहाँ नेगेटिव से एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर -v0 ले लो या फिर आई की डायरेक्शन उल्टी ले लो, v0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -v0 लिया तो मैंने आई जो कि रेजिस्टेंस में एंटर कर रहा था मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 6, v0 इक्वल टू 6i -v0, तो यहाँ से v0 माइनस साइन उधर वाली साइड ले जाता हूँ तो -6i। ठीक है, तो v0 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, -6i इक्वल टू 16, -2i इक्वल टू 16, आई की वैल्यू क्या आ गई 16 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू -8 एम्पियर, तो -8 एम्पियर हमारा करंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज क्या है, v0 की वैल्यू क्या है, -6i, तो -6 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू क्या है -8, तो ये क्या हो गया 86 48 वोल्ट, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमारा आंसर था।